भाई मतलब लिटरली इनको अगर इतना छूट मिल जाएगा ना, अच्छा हुआ इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट ये दो या तीन लोग ही करते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तो भाई ये मैं ऐसा समझता हूँ कि यही लोग करे तो बेटर है, ये दो तीन लोग करे तो बेटर है, इनको इतना खुला छूट नहीं मिलना चाहिए। कुछ एक ब्रिगेड है, ये ब्रिगेड को अगर खुला छूट, इनका मूवीज़ का नॉलेज, इनका टॉकिंग स्किल्स, इनका लाइक वैल्यूबल वर्ड्स, इनका कोट्स, ये सब अगर इनको अगर छोड़ दिया ना, खुला छोड़ दिया इंडियन सिनेमा को बाहर, एक्चुअली में ये लोग लेकर जाएंगे और बाहर में छपरी पना करके पूरा नाम खराब करके आएंगे। एक ब्रिगेड है, पर्टिकुलर ब्रिगेड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक ब्रिगेड है ये, जिनको मतलब इतना मतलब ऑब्सेस्ड है ये लोग कि नंबर वन बनने में, डोमिनेट करने में इतना ऑब्सेस्ड है, पागल पड़े हैं ये लोग। तो इनको अच्छा हुआ कि भाई इनको वो नहीं मिल रहा है, भले बॉलीवुड गाली खाता है लेकिन सामने से कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन बॉलीवुड को खुद भी पता है एंड उसके जो इंडियन सिनेमा रिप्रेजेंटेटिव स्टार्स है, ये शाहरुख खान, ये लोग सब भी आराम से चुपचाप अपना काम करते हैं, मूवीज़ कलेक्शंस देते हैं, वो मतलब फाड़ते और निकलते हैं। तो भाबा ये भाई ये लोग ना हद मतलब इनका IQ, इनका ये सब चेक करो तो मतलब लिटरली समझ आ जाएगा कि भाई क्यों मतलब धनुष बाण गधे के हाथ में नहीं दिया हुआ है, सही इंसान के हाथ में ही दिया हुआ है कि भाई तू ही चला। तो कमिंग टू द पॉइंट राइट नाउ, ट्विटर में मैं ट्वीट्स वगैरह देख रहा हूँ, मैं देखकर इतना हंसी आ रहा है। अरशद वारसी का मैंने वीडियो बनाया था भाई, उसने जो टिप्पणी दी उसके ऊपर कि सब बोल रहे थे हु इज अरशद वारसी, कमेंट सेक्शन भाई बंदे का भर दिया, वो बंदे ने अपने फैमिली के साथ फ़ोटो वगैरह डाला हुआ था, गंदगी मचा कर रख दिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई एक तो अरशद वारसी ने लिटरली मैं कहूँ, मैं माइनर चीज़ें अभी वो पॉडकास्ट में देख के आया हूँ, तो अरशद वारसी ने उस कैरेक्टर कल्की का जो कैरेक्टर है, कल्की फिल्म के अंदर जो प्रभास का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जोकर बोला, उसने डायरेक्टली प्रभास को जोकर बोला भी नहीं। तो अगर कैरेक्टर एंड एक्टिंग के ऊपर अगर चलो तो मुझे ऐसा लगता है कि अरशद वारसी ने तो बहुत कम बोला है, लिटरली उसने कुछ बोला ही नहीं, वो सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया जोकर, सिर्फ वो कैरेक्टर एंड एक्टिंग ऑफ प्रभास, क्योंकि 2017 के बाद एंड 2017 के पहले क्वेश्चन मार्क है, 17 के पहले तो पूरा क्वेश्चन मार्क है, 17 के बाद लिटरली 17 के बाद जो सेक्शन बना है वो सेक्शन में मैं ऐसा समझता हूँ कि सलमान खान के भी करियर ग्राफी के अंदर मैं 3-4 मूवी में उठाकर दिखा दूंगा भाई जिसमें बंदे ने एक्टिंग की है। सलमान खान जिसको भाई वन ऑफ द वर्स्ट एक्टर बोला जाता है, उसकी भी करियर ग्राफी अगर उठाकर मैं दिखा दूँ तो मैं 4 फिल्में ऐसे फेंक कर मारूंगा कि भाई उसने भी उसमें खतरनाक लेवल की एक्टिंग की, इररिप्लेसेबल एक्टिंग की है, एटलीस्ट उसने भी की है। लेकिन मैं यहाँ पर तो मेरे को तो मतलब ये तो ऐसा हो गया है कि समुंदर के अंदर में बिल्ली का बाल ढूंढने जैसा हो गया है, कुछ नहीं है। उसी हिसाब से तो फिर उसने तो बहुत कम ही बोला है, वो कैरेक्टर को बोला ना एज एन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को बोला है, वो एक्टर को नहीं बोल रहा था वो जोकर। देन कुछ लोग पूछते हैं भाई हु इज़ अरशद वारसी, भाई जिसका तुमने सर के बाल से लेकर अंडरवेयर कच्चा तक पूरा कॉपी करके शंकर दादा MBBS में यूज़ किया है ना, पूरा सर के बाल से लेकर नीचे कच्चा तक, उसका चेन, उसका कान का बाली, पूरा वो कैरेक्टर को कॉपी करके, एक तो कैरेक्टर को मतलब अगर वो कैरेक्टर अगर देखा जाए तो ड्रैगन फ्रूट है, तो ये कैरेक्टर है उसका कॉपीड कैरेक्टर लगभग देखा जाए तो सड़ा हुआ 5 दिन का पुराना टमाटर है, कॉपीड किया सर के बाल से लेकर नीचे कच्चा तक, गोल्ड चेन, कान का बाली, कॉपीड करके अपना एक मूवी बनाया ना उसका पूरा कैरेक्टर यूज़ करके, तो वो है अरशद वारसी जिसका जॉली LLB जो पहला फिल्म है भाई, वो मीम वर्ल्ड में इतना फेमस है ना कि जो लोग इंडिया का 50% सेक्शन ऐसा है टीवी पिक्चर वगैरह नहीं देखता, बिकॉज बहुत ऐसे लाइक कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दैट इज़ ओके फॉर देम। वो लोगों को भी अगर जाके पूछो ना कि भाई ये जो एक्टर बीच में कूदा है ना दूसरा वाला, उसका शक्ल दिखाओ और इसका शक्ल दिखाओ, बोले कि इसको तो अपन जानते हैं अरशद वारसी है, ये गोलमाल आयो। तो भाई अरशद वारसी वो है जिसका जॉली LLB 2 Ctrl-V Ctrl-C कॉपी पेस्ट ख़त्म चिपका दिया, और इतनी गंदी तरह से चिपका है कि अरशद वारसी खुद देखेगा, अरशद वारसी बोलेगा कि मैं साला पाम ऑयल के साथ में वड़ा पाव मिक्स करके उसके ऊपर मैं टमाटर का केचप डाल के 3 किलो मैगी डाल के खाकर मैं मर जाऊँ।
इस लेवल का इतना मतलब छपरी लेवल पे उसको कॉपी किया है, तो वो है अरशदवर्सी। अरशदवर्सी वो है जो आज के टाइम पे हिंदुस्तान का सबसे कामयाब सबसे ज़बरदस्त वेब सीरीज़ का लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा है भाई। उसका एक डायलॉग डिलीवरी, ये जो कुछ फड़फड़ा रहे हैं ना, फड़फड़ा रहे हैं ना, ये कुछ लोग मैं देखा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक्ट इनको, इन गधों को, इन मतलब इन गधों को ये तक भी फ़र्क नहीं पता एक एक्टर सीन को कैसा बना रहा है, एक राइटर सीन को कैसा बना रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या वो ट्रेन सीन, इस ट्रेन सीन अरशदवर्सी होल करियर, ट्रेन सीन उस तरह 50 से 60 सीन मैं अपने रियल लाइफ से क्लिप उठाकर भेज दूंगा, ट्रेन के बस के सामने जाकर वो सीन डिस्क्राइब एक्टर नहीं कर रहा है, वो राइटर का काम है। वो सीन को जिसने लिखा है वो पूरा क्रेडिट उसको जाता है। इन गधेड़ों को, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं, यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स को तो इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि ओवर एग्जैजरेट कर जो रखा है ना, ओवर एग्जैजरेट करके जो रखा हुआ ना कुछ कुछ चीज़ों को, मैं जब ये जर्सी मूवी आई थी मैंने तब भी मैंने एक रिव्यू डाला था, उस टाइम पे मेरे चैनल उतना चला नहीं था, मैंने रिव्यू डाला था कि भाई इकबाल मूवी देख लेना एक बार, 2005 की फिल्म है। ये ओवर एग्जैजरेट करके जो रखा हुआ ना, ये थोड़ा ज़्यादा सर पे चढ़ गया है, सर पे चढ़ गया है थोड़ा, कुत्ते की तरह रीमेक्स करते, कुत्ते की तरह रीमेक्स होता है, लेकिन अटैक इस तरफ होता है। और जबकि रीमेक्स का भी काउंट अगर देखा जाए, कौन कैसा रीमेक्स कर रहा है, कौन कितना बेहतर रीमेक बना रहा है, यहाँ पर बनता है दृश्यम और यहाँ पर बनता है वो पिंक का क्या है रीमेक, तो पता नहीं, वो तो मैं थिएटर में देखने गया था, तीन मैं ऐसा, मैं मेरे को ऐसा लगा कि सर पे बंदूक नहीं, AK-56 चला दूँ सिर पे, बेहोश ख़त्म, मैं लिटरली मरा पड़ा था वहाँ पर। पॉपकॉर्न भी खाने से ऐसा लग रहा था कि क्या खा रहा हूँ, थर्माकोल खा रहा हूँ। तो हु इज़ अरशदवर्सी, ही इज़ अरशदवर्सी भाई। वो बंदे का कॉमिक टाइमिंग अगर वो फेंक कर मार गया ना, अच्छा अच्छा एक्टर खड़े खड़े मुद देगा उसके सामने। तो उसका एक कैरेक्टर को लेके उसका ओपिनियन, उसके ऊपर में वॉर क्रिएट कर रहे हैं, वॉर लिटरली वो बंदे ने किया है। उसके बैकफायर में प्रभास नहीं आया, वो चुप से अपना काम कर रहे हैं, उसके बीच में कूदे हैं 2-3-4 लोग जिनका करियर अब तक, जिनका करियर ऐसा है कि उसके अलावा यही है करियर पूरा, वो भी वो उसकी सीन लिखने वाले के ऊपर है और कुछ नहीं है लाइमलाइट के। उसके बाद देखो ना, धूम 3 का आमिर खान ट्रांसफॉर्म होता है ना जैसा, उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म है, 24 घंटे में पलट गए। उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो लाता हूँ मैं। सो दैट इज, ये हिपोक्रेट है, ये हिपोक्रेसी है ये टोटल भाई। ये ऐसे इसको सपोर्ट नहीं बोलते, ये यूट्यूब में 3-4-5-6 दल्ले ऐसे बैठे हुए हैं जो ओवर एग्जैजरेट करके चीज़ों को बताते जस्ट टू गेट व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। क्योंकि वहाँ का मतलब ऐसा है कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ऑब्वियसली भाई वहाँ पर भी तगड़ी तगड़ी मूवी बन रही है भाई, लेकिन क्या करते हैं ये पूरा का पूरा हिंदी सिनेमा को डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने से क्या होता है, इनको व्यूज एंड सब्सक्राइबर बहुत गजब का मिलता है। एक दीदी है यूट्यूब में, मेरे को उसका, मैं उसको 2-3 बार मैं मॉनिटर कर चुका हूँ भाई। हिपोक्रेसी का इतना सीमा पार किया हुआ इन लोगों ने कि वो क्या करती है, वो जैसे ही कोई साउथ की फिल्म आती है वो उसके ऊपर वीडियो बनाना चालू कर देती है, एंड वो हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलती है, बॉलीवुड को डिग्रेड, हिंदी सिनेमा को डिग्रेड करती है, बॉलीवुड को छोड़ो हिंदी सिनेमा को डिग्रेड करती है, डिग्रेड करती है, डिग्रेड करती है। जैसे ही कोई हिंदी सिनेमा से ब्लॉकबस्टर आता है तो वो क्या करती है, वो पर्टिकुलर फिल्म को उठाती है एंड बाकी फिल्म्स के, हिंदी सिनेमा के फिल्म्स को डिग्रेड करती है। फिर चलो अभी रणबीर कपूर का फिल्म आ गया, अभी रणबीर कपूर की फिल्म को बोलो रणबीर कपूर ऐसा स्टार है, ये वो है, फिर बाकी लोगों को डिग्रेड करेगी वो समथिंग, क्या स्टोरीफाइंग शीट समथिंग उसका चैनल का नाम है। लिटरली भाई, लिटर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग को दे रखा है भाई, रिव्यूअर बनाकर बैठा है एक, पता नहीं वो बॉनविटा, अरे बाबा वो तो पूरा का पूरा वो भाई, उसको ये सब इंसान लोगों तो सीधा बैन करना चाहिए, अंदर कर देना चाहिए इन लोगों को।
ये लोग मूवीज़ के नाम पे ये पूरा कम्युनल हिट निकाल रहे हैं। ये एक बंदा है, पता नहीं बॉनविटा क्या नाम है उसका, मेरे को मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। ये 3-4-5 लोग ऐसे हैं, ये इतना ओवर एग्जैजरेट। और एक उसका तो नाम भी नहीं पता यार, वो क्या हो? पीछे ब्लैक स्क्रीन लगा कर वो पता नहीं वो भी एक है। तो ये सारे जो ओवर एग्जैजरेट करके जो फैला हुआ है ना, गंद फैलाया हुआ है, ये गंद का ही अभी रिस्पॉन्स है कि ओपन भाई सलमान खान तक को उसके ऊपर मैं बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वो सेपरेट वीडियो आज रात 8-9 बजे तक आ जाएगा, उसके ऊपर भी आता हूँ। एंड हु इज़ अरशद वारसी? ही इज़ अरशद वारसी भाई, जिसका एक डायलॉग सर्किट का ना भाई, रूम तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, पूरा करियर खा जाएगा कुछ लोगों का। एक्टर बड़ा होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो अपने ज़माने में देखा जाए तो देवानंद साहब ने भी दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। देवानंद जी का जो एक्टिंग है सिर्फ वही पूछते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कितना है वो नहीं पूछते। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कोई नहीं पूछता है, कोई घंटा मतलब नहीं है। आज 1000 दिया है, 100 साल बाद कोई 1,00,000 करोड़ देना चालू हो जाएगा। तो एक्टर एज एन एक्टर ही पूछेगा, आदमी पूछेगा कि ये कौन था भाई, ये कौन एक्टर था भाई। इवन दिलीप कुमार सर भाई, मेरे टाइम से मेरे को लग रहा है कि वो 3 जनरेशन पहले के टाइम के लोग उनको पसंद, या 2 जनरेशन पहले के टाइम के लोग, माँ बाप जो डैडी मम्मी होते हैं आई गेस, उनके टाइम के जनरेशन के लोग उनको पसंद करते हैं, नानी नाना के टाइम के जनरेशन के लोग। बट मैं वो लिटरली वो एक्टर को देखता हूँ मैं दोस्तों, भाई ये बंदा ये क्या खाता था, ये मैं बेहोश हो जाता हूँ उसकी एक्टिंग देखकर, उस इंसान की एक्टिंग देखकर। सो दैट इज़ द लीगेसी, वो लीगेसी हमेशा रहती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कितना किया पूछेगा नहीं आदमी। ये क्रिकेट ग्राउंड से बॉल को पार मार दिया मैंने, इसको नहीं पूछेगा आदमी क्रिकेट ग्राउंड, इसको नहीं। वो एक्टिंग करता है भाई, वो एक्टर है, वर्ल्ड क्लास एक्टर है वो। और उसने सिर्फ कैरेक्टर को लेकर बोला है, कोई किसी के बारे में पर्सनल चला गया वो, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। मेरे को भी लगा आई गेस प्रभास को जोकर बोला, मैंने बैठ कर एक, और कितनी अच्छी अच्छी बातें कही भाई उस बंदे ने। नेपोटिज्म के ऊपर मतलब आवाज़ उठाई, ये तक कहा कि सैलरी, ये जो स्टार्स लोग हैं बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, अपनी हिंदी सिनेमा के बारे में कह रहा है, स्टार्स है पूरी सैलरी वगैरह खा रहे हैं ये लोग, इनको इतना सैलरी नहीं देना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्षय कुमार 70 फिल्म की सैलरी उठा रहा है, लगा 2 करोड़ की ओपनिंग रहा है वो, लगा 2 करोड़ की ओपनिंग ही रहा है वो, लेकिन सैलरी ले रहा है 70-80 करोड़, यानी कि उस हिसाब से आउटपुट के हिसाब से वो 70-80 फिल्म की सैलरी एक साथ ले रहा है अभी भी। तो वो सही बोल रहा है वो, दैट इज़ ही डैम करेक्ट, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये जो ओवर एग्जैजरेट, ये दीदी, ये चश्मे वाली दीदी, वो आंटी ने सबसे पहले चालू किया ये सब, ये ओवर एग्जैजरेट। अपन जो है ना, जो सही प्रोडक्ट आता है भाई वहाँ से फुल सपोर्ट, लेकिन ये सारी चीज़ें दल्लागिरी करने को नहीं होगा, ये करने को नहीं होगा भाई। हिंदी सिनेमा पता है क्या चीज़ है, वो क्या प्रोडक्ट्स इस सिनेमा से बनकर खड़ी हुई है। 2000 से लेकर 2010 के प्राइम टाइम के जो बॉलीवुड है ना, ऐसे ऐसे फिल्म्स दिए ना भाई, देखकर चक्कर आ जाता है भाई। माँ की आँख, ये नो स्मोकिंग मूवी देखो। सो ये सब चीज़ें नहीं करना, दल्लागिरी नहीं करना चाहिए। वो दीदी एक और दीदी है, वही जो मैंने दूसरे दीदी के बारे में बताया कि वो मूवी आता है, वो मूवीज़ के हिसाब से अपना रंग बदलती है कि सब्सक्राइबर्स मुझे यहाँ से मिल जाए। कोई भी मूवी हो, अब सोचो मैं शाहरुख खान की बुराई कर रहा हूँ और रणबीर कपूर को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही शाहरुख खान का जवान 2 आएगा, वो 1000 करोड़ क्रॉस करेगा, शाहरुख खान इसे जेन्युइन गाय, बाकी सब तो पूरे ढोंगी लोग हैं, नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, वो बंदा वन मैन आर्मी है। क्यों? सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, गजब का सब्सक्राइबर बढ़ता है। ये सेम चीज़ ये लोग क्या करते हैं, तमिल सिनेमा नहीं, ये तेलुगु सिनेमा को लेकर ये लोग खेल खेलते मोस्टली, क्योंकि जबरदस्त व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स मिलेगा भाई। अल्लू अर्जुन को उठाकर एक बार देख लो, वो बंदा कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आता है, अपना काम करता है, सब कुछ खतरनाक लेवल पे अपना भाई, वो एक रेपुटेशन क्रिएट किया उसने। वो कभी भी घूमता है देखो, बातचीत करता है देखो, वो एक्चुअली लगता है रिप्रेजेंटेटर, वो किसी से कुछ ये सब छपरी बंदी बात वूत करता नहीं है। बीच में किसी के मैटर में घुसकर बोलना वो लाइमलाइट है, वो ये लाइट है, हाँ बोलना इंडिया को बाहर में बॉलीवुड इतनी गंदी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। शाहरुख खान का नाम सुना है कभी? वही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, भेड़िए जैसा शक्ल वाला
सड़ा दांत लेकर भालू जैसे शक्ल का, ये आदमी को तो रिप्रेजेंट करने के लिए देंगे नहीं ना। इसीलिए एक अवार्ड में ये हालत है, एक अवार्ड मिलने के बाद ये हाल हुआ है, मतलब पागल हो गए, सर पे चढ़ के ट्रोपोस्फीयर क्रॉस कर दिया, स्पेस स्टेशन क्रॉस कर दिया, मिल्की वे गैलेक्सी अभी दो घंटे में क्रॉस हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। तो अभी एक और वीडियो आ रहा है, मिलते हैं अपने एक जुड़े साथ, तब तक के लिए।